इलेक्शन कमीशन ने सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर के 30 हलकों में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। मरियम नवाज को तंदूर जबकि हमजा शहबाज को कश्ती और मोर जारी किया गया है। किस उम्मीदवार को कौन सा इंतखाबी निशान अलॉट किया गया, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। लाहौर के 30 हलकों में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इंतखाबी निशानात के मुताबिक पीपी 173 से मरियम नवाज को इंतखाबी निशान तंदूर अलॉट किया गया, जबकि हमजा शहबाज को पीपी 145 में मोर और पीपी 147 में कश्ती बतौर इंतखाबी निशान अलॉट की गई है। यहाँ पीपी 167 से नून लीग रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर को ट्रैफिक सिग्नल और अता तारड़ को मेज का निशान अलॉट किया गया है। मुश्तबा शजाउर रहमान को छतरी और बिलाल यासिन को वाटर कूलर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। नून लीग रहनुमाओं के मद्दे मुकाबले पीटीए रहनुमाओं को बल्ला ही अलॉट किया गया है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक पीपी 144 से 34 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए। पीपी 144 से 28 उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न करवाने पर नून लीग रहनुमाओं को आजाद उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है।